ऑस्ट्रेलिया में पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज पर कब्जा करने के बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में कीवियों के खिलाफ 10 साल बाद बायलेटरल वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया है और 3-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। माउंट माउंगानुई में खेले गए तीसरे वनडे मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज करते ही भारत ने ये कारनामा कर दिया। भारत को कीवियों के खिलाफ न्यूजीलैंड में आखिरी वनडे सीरीज जीत 2009 में मिली थी। 2009 के बाद कीवियों की धरती पर ये भारत की दूसरी बायलेटरल वनडे सीरीज जीत है। भारत ने इस जीत के साथ 2014 में न्यूजीलैंड की ही धरती पर हुई वनडे सीरीज की हार का बदला ले लिया है। जब ब्रेंडन मैक्यूलम की कप्तानी वाली कीवी टीम ने MS धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया को 4-0 से मात दी थी। टीम इंडिया ने 2014 के न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे सीरीज में एक टाई समेत सारे मुकाबले गवा दिए थे। अब भारत ने कीवियों के खिलाफ उसकी धरती पर 37 वनडे में से 13 जीत लिए हैं, 21 में से उसे हार मिली है, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे। न्यूजीलैंड की धरती पर भारत 1976 से खेल रहा है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली की अर्धशतकों से भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड 49 ओवर में 243 रन पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया को सीरीज जीत के लिए 244 रनों का टारगेट मिला। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए।